गर्मी का मौसम जाने वाला है, तो जाने से पहले क्यों ना एक फिर से ट्राई किया जाए ठंडी ठंडी आइसक्रीम की रेसिपी। जी हाँ, हेलो फूडी, स्वागत है आपका कुक विद सोनिया में। और आज चलिए बनाते हैं वनीला आइसक्रीम, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। देखते आप ट्राई करोगे, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। तो चलिए, आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया, और उसमें मैं 1.5 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। और उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ अरारोट, जो कि 2 चम्मच है। मैंने 2 चम्मच अरारोट का पाउडर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को ना कॉर्नफ्लोर नहीं मिलता, कस्टर्ड पाउडर नहीं मिलता, मैदा यूज़ करना नहीं चाहते, कह रहे वो तो हेल्दी नहीं है, वो कैसे यूज़ करें। तो कोई बात नहीं, आप अरारोट ले लो, ये बहुत अच्छा होता है, ये बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेगा। और दूध बॉईल हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर 1 कप, जो कि आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा और डाल देना, कम पसंद है तो आप मीठा और कम कर देना, क्योंकि ठंडी चीज़ों में ना मीठी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है और हमें पता भी नहीं चलता ज़्यादा मीठा। तो उसी के साथ मैंने जो घोल बनाया था अरारोट का, मैं वो इसमें डाल रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा गाढ़ा हमें पेस्ट मिल सके। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बीच बीच में दिखाते रहूँगी कि हमारा जो पेस्ट है वो कैसा होना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये अब परफेक्ट लग रहा है। और इसी स्टेज पे हम गैस कर देंगे बंद, और इसको हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद देखिएगा इसका टेक्सचर, ये बहुत गाढ़े मोमेंट में आ जाएगा, बहुत ही हमें थिक हो जाएगा। और ये देखिए फाइनली ये हो गया है ना, बहुत गाढ़ा, एकदम मतलब थिक हो चुका है, बिल्कुल हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में, जो कि मैंने कर चुकी हूँ ट्रांसफ़र। और इसको हम एक बार ब्लेंड करने के बाद हम एक कंटेनर लेंगे, और उसमें सारा का सारा पेस्ट हम डाल देंगे। और उसी में डालने के बाद एक प्लास्टिक किसी के साइज का कट कर लेंगे, और इसको टच करते हुए, बिल्कुल टच करते हुए इसको बंद करके 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 2 घंटे के बाद मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है फ्रेंड्स, मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। और ओवरनाइट के बाद देखिए इसका टेक्सचर कितनी प्यारी प्यारी सी बबल्स आई है, एकदम जाली आया है, बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ ना कि मैं दोबारा जब इसको टर्न करती हूँ तो आधा तो मेरे बच्चे अभी ही ये सारी आइसक्रीम खा जाते हैं और आधा ही बचता है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम ना हो लास्ट मोमेंट में, इसलिए मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कप मलाई, जो कि घर की मलाई है। फ्रेश क्रीम अगर है आपको तो वो आप यूज़ कर लीजिए, मलाई अगर नहीं है तो अगर व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई है घर में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ हम डालेंगे वनीला एसेंस, क्योंकि वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वनीला एसेंस तो डालना बनता ही है। और उसी के साथ चलिए अब हम इसको सबको एक अच्छे से फिर से एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं, यानी कि टर्न कर लेते हैं मिक्सी से। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इसको ये पीस लिया है एक बार फिर से, और ये देखिए कितना स्मूथ और कितना मतलब कि इसका जो टेक्सचर है ना, क्रीमी क्रीमी, कितना क्रीमी आ रहा है। और फिर से मैंने उसी कंटेनर में सारा पेस्ट डाल दिया है, और जिससे हमने फर्स्ट टाइम कवर किया था ना आइसक्रीम को, बस उसी से हम फिर ये कवर कर देंगे बिल्कुल टच करते हुए, और फिर बंद करके हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में, हम इसको फ्रीज़र में फिर से रख देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओवरनाइट के बाद हमारी आइसक्रीम कुछ इस तरह की दिख रही है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए इसकी जाली देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी दिख रहा है, देखने से ही लग रहा है कि वाओ आइसक्रीम बहुत अच्छी जमी है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, और उसमें मैं आइसक्रीम को निकाल रही हूँ। मुझे ना निकालते निकालते ही लग रहा है कि मैं खा लूँ, इतना मुझे ज़्यादा दम लग रहा है, दम टेस्टी लग रहा है, और मुझे इतना मतलब खाने का मन कर रहा है। पर नहीं, कोई बात नहीं, पहले मैं आपको दिखाऊंगी, पहले आपको बताऊंगी कि कैसी बनी है, उसके बाद ही खाऊंगी। और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी स्वीट्स बाउल, जो कि ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। और उसी के साथ एक प्यारी सी चेरी डेकोरेट के लिए। और अब ये देखिए हमारी फाइनली आइसक्रीम कितनी प्यारी लग रही है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर